हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ स्कूटी जो हमारे पास टोचन बंद के आई थी, मतलब किसी चीज़ में डल के ऑटो में। अच्छा, ये दिखाते हैं हम, ये क्या है जो कम बिल्कुल जो एजेंसियाँ वाले हैं या कोई भी है, मैं किसी को स्पेशली टारगेट नहीं करता, एजेंसी वाले वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन क्या पूरा चेक किए बिना कस्टमर को सीधा, मतलब आपका पहिया अगर नहीं घूम रहा, पीछे वाला टायर अगर घूमने नहीं लग रहा, तो उसको बोल देते हैं आपका कंट्रोलर ख़राब है, 5,000 रुपये खर्च आएगा, 4,000। इसी कारण से ये हमारे पास आई है। देखिए, आप शुरू में थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि ये स्कूटियाँ हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि इसमें सीधा एक कंट्रोलर ही है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आप वायरिंग चेक करिए, उसके कारण ढूंढिए क्या कारण है। देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है गाड़ी में। अब मैंने इसका फॉल्ट ढूंढ के लगभग 99% तो इससे ठीक ही हो जाएगी ये, और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा दोस्तों, इसको थोड़ा स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, अभी कर काम चालू। ये अभी दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए, ये जो वायरिंग है, हमने जो कल की चेक करने लग रहे थे इस गाड़ी को, ये वायरिंग इसकी जड़ी हुई है यहाँ। तो अब देखो, ये किसी एजेंसी में गाड़ी गई थी, उन्होंने बताया कि इसका कंट्रोलर जड़ चुका है, लेकिन उन्होंने इसकी वायरिंग चेक ही नहीं की, ऊपर से ही देख के। अब जब कंट्रोलर आप इसमें मल्टीमीटर लगाओगे या किसी भी चीज़ में, आप पहिए में कुछ भी लगाओगे, तो आपका, या अगर इसका तो चलो मीटर ख़राब था, पुरानी गाड़ी है, अगर नहीं मीटर में भी कंट्रोलर का निशान दिखा देता ये, या मोटर का दिखा देता, और वो ज़रूरी नहीं है कि मोटर में कमी होगी तभी मोटर का निशान दिखाएगा, उसके तार में कमी होगी जब भी दिखाएगा, कंट्रोलर की अगर वायरिंग पूरी तरह से सही नहीं होगी तो भी कंट्रोलर को ख़राब दिखा देगी गाड़ी। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करिए, और जो मैकेनिक भाई है वो भी देखिए, हमारे ऊपर विश्वास करके ग्राहक आता है कोई भी, और ज़्यादा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा तो आप अपनी मेहनत जो बनती है वो लीजिए। आप लेबर चार्ज चाहे आप एक्स्ट्रा 200-400 रुपये लगा लीजिए, लेकिन जो सही चीज़ है उसको कभी ख़राब मत बताना। और अभी मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, हम थोड़ा सा लंबी वीडियो बनेगी, और बीच में आप देखते रहिए, और साथ के साथ दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं लगता उसमें, बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमारा हौसला थोड़ा सा बढ़ता है। ये बिल्कुल आप नज़दीक से देखना इसको, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं पूरा खोलते हुए गाड़ी की वीडियो बनाता तो वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे की बनती, इसलिए मैंने थोड़ा सा, जब हम उसके आखिरी जो इसका फॉल्ट हमें मिला है वहाँ पहुँच के मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, क्योंकि पूरा वीडियो 1 घंटे की वीडियो ना कोई देखता और ना किसी के पास टाइम, ठीक है। तो अब भी वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, और वहाँ तक जितनी बनेगी तो आप बिना स्किप किए वीडियो देखना, बिल्कुल आपके सामने दिखाता हूँ मैं कोई भी चीज़ है, बिल्कुल आपके सामने दिखाता हूँ। अब मैं बनावटी ना बातें करता, ना मैं बनावटी काम दिखाता, मेरे को जितनी नॉलेज है मैं वही चीज़ दिखाता हूँ, हवा हवाई में बातें नहीं करता, ठीक है। तो आप जैसा भी आपको सही लगे काम करना, तो वो आप ये तो जैसे देखो, ये देखिए आपने दिखने लग रहा है, देखिए बिल्कुल जल चुकी है इसकी वायरिंग। तो अब 99% फॉल्ट इसी चीज़ से है, अब देखेंगे
कई बार क्या है दोस्तों, अगर इतना अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसमें तो कई बार इससे क्या है कंट्रोलर पे भी दिक्कत आ जाती है या, लेकिन इस गाड़ी में मेरे ख्याल में नहीं होगा। अब इसको हम जैसे अब इसको करके सभी तार ज्वाइंट करके नए तार लगाएंगे इसको या जैसे भी इनको जोड़ेंगे, तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि कंट्रोलर इसका बचा हुआ है, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे तो इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब गलत लगता है लोगों का, जो बिना चेक किए इसका कंट्रोलर जो ख़राब बताया जिस भी एजेंसी वाले ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो वो बड़ा गलत है। आप इसका ऐसे कंट्रोलर भी चेंज कर देते तो कर ये चलेगी नहीं गाड़ी, जब तक वायरिंग पूरी तरह से सही नहीं होगी तो कंट्रोलर का क्या मतलब होगा बदलने का। देखिए, और अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो लंबी ही बना के दिखाऊँ आपको, गाड़ी भी चला के दिखाऊँगा मैं। एक पाँच मिनट बैठ जाना वो, हाँ तो दिखाता हूँ। हाँ तो एक मिनट तो देखिए आप, थोड़ा सा वीडियो बीच में रोक दी थी, कोई ग्राहक आ गया था हमारे पास जिससे बात करनी थी जी, तो बिल्कुल आप देखते रहना, मैं दिखाऊंगा आपको इस गाड़ी को, हम चला के भी दिखाएंगे आपको ये ठीक करके अगर, लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना दोस्तों, आप वो चीज़ आप नहीं देख पाएंगे कि हम ये ठीक हुई नहीं। अब ठीक ही नहीं होगी तो हमारा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, या आपका कोई वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं आपका, जो अगर आपने इसका पूरा मतलब आपने अनुभव ही नहीं लिया ना इसका, तो फ़ायदा ही क्या है। अगर अनुभव ना होगा किसी भी चीज़ का, हमें नहीं होगा तो हम आपको दिखाएंगे क्या, और आप अगर इसको देखोगे नहीं तो आपको कैसे होगा। देखिए जी, अब ये नीचे से खोलना पड़ेगा, जो ये खोलने लग रहा है लड़का, ये पीछे से खोल के अब ये एक तो ये गाड़ी है, अब इसका कंट्रोलर ख़राब बता दिया, लेकिन उसका एक वो गाड़ी खड़ी हमारे पीछे उसका कंट्रोलर हमने चेक कर लिया पूरा। देखिए ये गाड़ी भी देखिए आप, अब ये गाड़ी है, ये गाड़ी इसका कंट्रोलर वाकई में ख़राब, क्योंकि हमने पूरी इसकी वायरिंग वगैरह सब और कंट्रोलर को फिर मल्टीमीटर से कंट्रोलर को चेक करके हमने तब फाइनल किया कि इसका कंट्रोलर ख़राब है। देखिए वैसे हवा हवाई में बातें करना कि आपका कंट्रोलर ख़राब है, ऐसे ठीक नहीं होता, ठीक तो मैं तो ऐसा सही मानता नहीं, बाकी सब अपनी अपनी समझ है लोगों की, कैसे काम करते हैं लोग। मेरा मानना ये है जो जो चीज़ ख़राब है उसी को ख़राब बताओ और उसी के पैसे लो ग्राहक से जी। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लगता है खोलने में, क्योंकि इनके नट भी थोड़ा सा जाम वगैरह होते हैं, तो आप ये नहीं सोचना कि वीडियो लंबी बना रहे हैं वो ज़बरदस्ती बनेगी, हमारा कोई इसमें कुछ नहीं है। और आप वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको पता चलेगा इस चीज़ का। दो मिनट के लिए अभी खोलने दो इसको, देखिए ये अब ये बाहर निकाल लिया कंट्रोलर, बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा मैं आपको।
पंछी। देखते रहना दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करना। अब पता नहीं क्या एक सेकंड के बाद कौन सी ऐसी चीज़ दिखाऊं मैं आपको, कौन सा तार ऐसा दिखाऊं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो अगर वीडियो स्किप करोगे तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं उनसे आप वंचित रह जाओगे जी। अब इसमें देखिए, मेरा बोलने से ज़्यादा आपने मेरी जो मैं बोलने लग रहा हूँ उसका उसको सुनने के बजाय आप ध्यान दीजिए कि हम काम कैसे करने लग रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको नज़दीक से दिखाने लग रहा हूँ। क्लियरिटी में मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।